बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है, तो ये काफ़ी आसान रहेगा अगर आपको वॉच को उठाना है या फिर लगाना है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मैं किरण टिकेटिनो से। तो अगर आपने एक स्मार्ट वॉच खरीदा है तो उसके लिए एक चार्जिंग एक्सर की जरूरत पड़ती है। यूजुअली वायरलेस चार्जिंग होता है, जो भी अगर स्मार्ट वॉच आप खरीदते हैं तो उसके वायरलेस चार्जिंग एक्सरसाइज आपको साथ में मिलता है, जिसमें कुछ टाइप में प्रोगो पिंस रहता है। जब आप वॉच को उसके ऊपर प्लेस करते हैं तो ऑटोमेटिक चार्ज होता है। कुछ होता है वायरलेस चार्जिंग, तो मोस्टली सारे वॉचेस वायरलेस चार्जिंग नहीं सपोर्ट करते। कुछ टॉप एंड वॉचेस सपोर्ट करते, जैसे एप्पल वॉच हो गया, सैमसंग का वॉच हो गया। कुछ इस टाइप का वायरलेस चार्जर आपको एप्पल वॉच सीरीज 5 या सीरीज 4 या सीरीज 3 में मिलता है, पर आपको सीरीज 6 में इसके साथ पावर पिक नहीं मिलता। और आपको बस ये यूएसबी पोर्ट मिलता है, जिसको आपको कहीं पे कनेक्ट करना पड़ता है और आपको वॉच को चार्ज करना पड़ता है। तो अगर आप इसके ऊपर अपने एप्पल वॉच को रखेंगे तो बस ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चार्ज हो सकता है, नहीं तो आपको एप्पल वॉच को रखने के बाद साइड से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक है, पीछे जाके चिपक जाता है और वॉच को चार्ज करता है। पर आपको नॉर्मल जो चार्जर जो सैमसंग के साथ मिलता है, वो है वर्टिकल चार्जर, जो आप जस्ट डॉक की तरह आपको वॉच को प्लेस करना पड़ेगा और वॉच ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए एक एक्सेसरी आता है जो आप इस चार्जर को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उसको उस तरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आज देखेंगे, उसके अनबॉक्सिंग में देखेंगे, उसके फीचर्स के बारे में देखेंगे। उससे पहले अगर आपको खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नॉर्मल सैमसंग वॉचेस के साथ, स्मार्ट वॉच के साथ, जैसे गियर X2 हो गया, गियर X3 हो गया, गैलेक्सी वॉच हो गया, उसके साथ ऐसा एक चार्जर मिलता है जिसमें आप अपने वॉच को ऐसे डॉक कर सकते हैं और चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। एप्पल जो फ्लैट बेड जो चार्जर देता है वो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको मैनुअली चार्जर को उठा के उसमें प्लेस करना पड़ता है। ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस रहता है। तो ये है मेरा एप्पल वॉच सीरीज 5। ये सेल्युलर GPS मॉडल है। अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके खरीद सकते हैं। इसमें एक मैंने एक बैंड लगाया हुआ है जो स्पीकन का बैंड है, इसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये बहुत सेफ है, प्रोटेक्टिव है, और इसके साथ अगर आपको वॉच यूज़ करेंगे तो आपको बहुत सेफ्टी मिलेगा, क्योंकि आपका स्क्रीन कहीं पर टक्कर खाने का झंझट नहीं रहता और स्क्रीन में स्क्रैचेस का बहुत कम आराम आते हैं। तो आज हम वॉच चार्जर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मल सैमसंग चार्जर में ऐसे रखेंगे तो अपना वॉच चार्ज हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है। तो नॉर्मल जो एप्पल का जो चार्जर है उसको अगर आपको उस तरह से कन्वर्ट करना है, तो जो जो ऐसे फ्लैट बेड चार्जर जो एप्पल देता है, इसको अगर आपको इस मॉडल में कन्वर्ट करना है तो एक एक्सेसरी जरूरत पड़ती है, उसके बारे में आज देखेंगे। तो ये है वो एक्सेसरी का बॉक्स। ये बस सिंपल बॉक्स में आता है, कुछ नाम कुछ नहीं है। अगर आपको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ और देखते हैं कि बॉक्स में क्या मिलता है। तो इसको मैंने बॉक्स से बाहर निकाल दिया है। बॉक्स में आपको ये एक्सेसरी मिलता है, और इसमें आपको ये जो एप्पल का जो चार्जर, वॉच का चार्जर जो आता है, उसको इसमें लगाना पड़ेगा और ये इस मॉडल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको वॉच को रखना और रिमूव करना बहुत आसान रहेगा, और चार्ज करना भी बहुत आसान रहेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये बेसिकली TPU रबर टाइप मटेरियल से बना है और काफ़ी ड्यूरेबल है, और ये कहीं पे भी स्लिप नहीं होगा। कहीं पे भी रखेंगे तो स्लिपनेस बहुत कम रहता है। ये दो कलर्स में आते हैं, व्हाइट और ब्लैक। मैंने ब्लैक लिया है। अगर आपको व्हाइट भी लेना है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो अगर मैं इसमें अपने एप्पल वॉच के चार्जर को लगाता हूँ, देखते हैं कि कैसे दिखता है ये। तो इसको लगाने के लिए आपको USB का केबल जो है वो ऊपर से अंदर घुसाना पड़ेगा और नीचे से आएगा। यहाँ पे आपको एक स्लॉट दिखता है, इसके अंदर से आपको वायर को घुसाना पड़ेगा। तो अगर आप घुसाएंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट रहेगा। उसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, ताकि ये जो चार्जिंग ब्लॉक है इसके अंदर आ जाए। तो पूरा खींचने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, और इसका आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं और वॉच को ऐसे उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, ऐसे लगाएंगे तो ये चार्ज हो जाएगा, और इसका दूसरा एंड आपको किसी पावर सोर्स पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी पावर बैंक कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वॉच कैसे चार्ज होता है। तो मैं उस चार्जर को पावर बैंक कनेक्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं कनेक्ट करने के बाद कैसे रखता है ये। तो कनेक्ट कर दिया है, देखिए, देखते हैं कि वॉच में, देखा, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो ये काफ़ी आसान रहेगा अगर आपको वॉच को उठाना है या फिर लगाना है, तो बहुत ईजी रहेगा। नॉर्मल जो आपको जो चार्जर को मिलता है, उसको आपको सेपरेटली लगाना पड़ता है, फिर कभी कभी ये ठीक से लगता नहीं है और चार्ज नहीं होता वॉच को, वॉच तो ये बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे रखने से आपको कन्वीनियंट रहता है और आपको श्योरिटी रहता है कि वॉच चार्ज हो रहा है। एक बहुत हैंडी एक्सेसरी है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं अपने साथ में, तो आप अपने वॉच को चार्ज कर सकते हैं।
तो अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। वीडियो को देखने के धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।